नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा अब धीरे धीरे बिहार पर मंडराने लगा है। जी हां, खबरें भी ऐसे आ रही है। आपको बता दें कि 11 दिनों के अंदर कोरोना के 74% आ चुके हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ चुकी है, ऐसे में बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन ये कोरोना के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसको लेकर बिहार में कहां कहां कितने मरीज मिले हैं और इसको लेकर क्या बातें हो रही है और कितनी सतर्कता, और इससे जुड़ी जो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या आई है और किस तारीख को कितने मरीज मिले हैं, ये सारी जानकारी हम आपको थोड़ा और विस्तार से देते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। दिसंबर के 11 दिन में 74 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बीते 24 घंटे में 8 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति की महिला डॉक्टर के साथ पटना एम्स के एक डॉक्टर शामिल है। राज्य में 24 घंटे में 3 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके बाद एक्टिव मामलों की कुल संख्या 62 हो गई है। एक संक्रमित डॉक्टर के पटना से ओडिशा जाने से संक्रमण की चेन का खतरा ओडिशा तक भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमितों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराने में जुटा है, जिससे संक्रमण का रफ्तार रोका जा सके। बिहार में 8 संक्रमित पाए गए हैं, इसमें 6 पटना और 1 किशनगंज और नालंदा के हैं। पटना के भूतनाथ रोड की रहने वाली और राज्य स्वास्थ्य समिति में महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना के न्यू जगनपुरा के ओम पैलेस में 58 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि बता दें कि अनिशाबाद में भी एक 48 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एजी कॉलोनी में 38 साल का एक पुरुष संक्रमित पाया गया है। एजी कॉलोनी में ही एक और 67 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना एम्स के हॉस्टल में रहने वाले एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉस्टल में रहने वाले सभी डॉक्टरों व संपर्क में आने वालों की जांच कराई जाएगी। साथ ही संक्रमित लोगों की रिपोर्ट निगेटिव नहीं होने से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। संक्रमितों की फॉलो अप टेस्टिंग से भी 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, वह बुद्धा कॉलोनी की रहने वाली है। इसी तरह 65 साल के संक्रमित की रिपोर्ट फॉलो अप की पॉजिटिव आई है। साथ ही वह न्यू जगनपुरा का रहने वाला है। आपको बता दें कि बोरिंग कनाल रोड के रहने वाले 36 साल के संक्रमित की रिपोर्ट की फॉलो अप टेस्टिंग में पॉजिटिव आई है। ये सारे जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये फॉलो अप टेस्टिंग हुई है उसमें ये आई है। बुद्धा कॉलोनी के थाना रोड के रहने वाली 36 साल की महिला भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी तरह रुकनपुरा के रहने वाले 36 साल के संक्रमित की रिपोर्ट भी फॉलो अप टेस्ट में पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब 3 दिन बाद फिर सभी संक्रमितों की जांच कराई जाएगी। अगर दिसंबर की बात करें, 1 से 11 दिसंबर तक में, तो 1 दिसंबर को 2 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, वहीं 2 को 5, 3 को 1 भी पॉजिटिव केस नहीं मिला, वहीं 4 दिसंबर को 1, 5 दिसंबर को 6, 6 दिसंबर को 7, 7 दिसंबर को फिर 7 और 8 दिसंबर को 9, 9 दिसंबर को 17, 11, 10 दिसंबर को 12 और 11 दिसंबर को यानी कि कल 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन सारे मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, वो इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का जो टेस्टिंग होता है वो अलग तरीके से होता है, आरटीपीसीआर के जरिए उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। इसकी वजह से उसकी रिपोर्ट आने में भी देरी है, लेकिन जितने लोगों की हमने बात की है वो सब के सब कोरोना पॉजिटिव है और ये मामले लगातार 1 दिसंबर से बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप अलर्ट मोड पर हो जाइए, डरिए मत, सावधान रहिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचिए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।